हाँ तो जापान में स्टडी करने का एम तो बहुत लोगों का रहता है, बट यहाँ आने के बाद एक्चुअली में एक इंडियन स्टूडेंट की लाइफ कैसी रहती है एंड कैसे वो सारी चीज़ों को खुद से मैनेज करता है, उस टॉपिक के ऊपर आज की वीडियो है। तो रिसेंटली मैं आकाश से मिला था, ही इज़ अ स्टूडेंट करंटली स्टडिंग इन जापान हु एम्स टू बी अ कैरेक्टर डिजाइनर, एंड यहाँ मैंने उसका एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप्स लिया है टू शो यू गाइस कि कैसी हार्श रियलिटी होती है टू बी लिविंग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन जापान एंड क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है फॉर दोज हु आर गोइंग टू कम टू जापान फॉर स्टडीज और आर प्लानिंग टू कम, एंड जिनका ऐसा कोई प्लान नहीं है वो ऐसे ही मजे के लिए देख लो। सो एंजॉय द वीडियो टिल द एंड गाइज। मैं आज आकाश भाई से मिलने आया हूँ, भाई जुलाई में ही आ गए थे यहाँ पर जापान में, तो आकाश जो है वो मैक्स के थ्रू नहीं आया था। आकाश भाई आप आए कैसे थे यहाँ पर? स्कूल ढूंढा मैंने, उनको मेल वेल किया और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हुआ, फिर जापान आ गए। अगले साल आपको मतलब कितने साल का? 2 साल का कोर्स है? हाँ मेरा 2 साल का। 2 साल का जापानीज लैंग्वेज का कोर्स, और फिर उसके बाद आप अभी एनिमेशन कॉलेज ढूंढ रहे हैं ना? स्टडी का तो प्लान मेरा ओसाका का ही है, फिर मैं फ्यूचर में टोक्यो का प्लान कर रहा हूँ। जापानीज फ्रेंड्स हैं आपके? आप बता रहे थे ना जापानीज फ्रेंड्स। हाँ जापानीज फ्रेंड है, बस एक रैंडमली कॉन्वर्सेशन ही चालू हो गए, मैंने उसकी ड्राइंग देखी, उसने मेरी ड्राइंग देखी, तो हम कॉन्वर्सेशन करने लगे। तो जितना मैं सीख के आया था मैंने उसका यूज किया। अच्छा, इससे मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल भी मेरा अप हुआ कि हाँ जो मैं सीख के आया वो यहाँ पे यूज हो रहा है, तो इस तरीके से एक फ्रेंड मेरा गेन हो गया। और जो 2 मिले थे वो मेरे को मेट्रो में। अच्छा मेट्रो के? हाँ मेट्रो में। तो मेट्रो में मैं क्या कहते हैं अपनी सोमातो में। हाँ हाँ हाँ, सोमातो में तो मैंने भी पढ़ी है। मैं पढ़ रहा था तो उन्होंने नोटिस करा, तो उन्होंने मेरे को पीछे से बोला कोनिचिवा, तो मैं एकदम से वो हो गया, तो मैंने भी बोला कोनिचिवा, तो मेरी कॉन्वर्सेशन वगैरह हुई, हमने इंस्टा वगैरह शेयर किया। तो अभी यहाँ पर लाइक मेरे अलावा और किसी इंडियन से मिले? वो राहुल भैया से मिले। हाँ राहुल से, और दो ऐसे 1-2 मिल जाते हैं तो डायरेक्टली जाके पूछ लेता हूँ, अरे भाई कहाँ से हो? अच्छा मेनली निकलता होगा नेपाल से, इंडिया वाले तो कम ही मिलते हैं। हाँ, कम ही मिलते हैं पर लेकिन वही। तो अभी आपको जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो लाइक क्या स्ट्रक्चर क्या है उन लोगों का? JLPT बेस्ड है कि उनका मेनली एम होता है कि हाँ भाई स्टूडेंट्सों को बोलना आना चाहिए कि वो डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं? उनका JLPT बेस्ड नहीं होता, JLPT के लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आए हो तो एफर्ट करना पड़ेगा खुद से। सही बात है, यहाँ पे इंडिया वाला सिस्टम नहीं है कि टीचर आपके पीछे लग जाएगी। हाँ। तो कितने घंटे पढ़ाते हैं अभी स्कूल में आपको? वही 1:30 से लेकर 4 बजे तक। अच्छा 1:30 से 4? बहुत कम पढ़ा रहे, मतलब सुबह से नहीं पढ़ाते? नहीं सुबह से नहीं करते। इस मामले में मेरा पूरा डिफरेंट है, हमारा सुबह 9 बजे से क्लासेस रहती है 4 बजे तक। हाँ, और हम लोगों को समर से पहले, जुलाई से पहले सिर्फ जापानीज पढ़ा रहे थे पूरे 6 के 6 घंटे, बट अभी समर के बाद हम लोगों को किसो कामो को भी पढ़ाने लगे हैं। मैक्स का आपको पहले से नहीं पता था ना? नहीं मैक्स का बस पता नहीं था, जासो के बारे में पता था लेकिन उसकी कंडीशन कुछ और थी, सुना था मैंने, सुना था लेकिन प्रोसेस के बारे में नहीं पता था। लेकिन आप आए, लेकिन उस टाइम पे मेरा वीजा प्रोसेस में था, आपने बताया उस टाइम पे, फिर मेरे तोते उड़ गए। और मेरे को अच्छा लगा कि बहुत लोगों को आपके वीडियो के थ्रू पता लगेगा कि कहाँ से कैसे क्या करना है क्या नहीं। इस साल पता नहीं क्यों कंपटीशन ज़्यादा था, हो सकता है वीडियो के कारण, मुझे नहीं मालूम, वीडियोस के कारण। धीरे धीरे जैसे जैसे साल निकलते जा रहे हैं ना लोगों को पता चल रहा है मैक्स के बारे में, और धीरे धीरे मैक्स की एक चीज़, मैक्स के तो खैर बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स हैं, और सबसे बढ़िया पॉइंट जो मुझे ये लगता है वो ये है कि जैसे IIT या बाकी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होती है उनमें कास्ट का सीन रहता है, कास्ट सिस्टम, कि आपको OBC हो तो आपको सीट मिल जाएगी, SC ST हो तो सीट मिल जाएगी, जनरल हो तो कुछ नहीं मिलेगा। वो चीज़ मैक्स में नहीं है, वो लोग सिर्फ बंदे की कैपेबिलिटी के ऊपर ही करते हैं वो सब चीज़। अपन कैंपस में गए थे आकाश भाई, वो आपको टूर करवाते हैं कि आपको आपने जिस कोर्स के लिए सेलेक्ट किया वो तो आपको नेट पे जाके ओपन कैंपस का ऑप्शन होगा, उस पे जाके आपको सर्च करके आपको मिल जाएगा डिटेल्स वगैरह कि क्या है क्या नहीं, तो वो टूर करवाते हैं, फिर स्कूल के बारे में बताते हैं पूरा कैंपस, पूरा स्ट्रक्चर वगैरह बता देते हैं, कुछ ड्रॉ वगैरह करते हैं जो आपके फील्ड से रिलेटेड है, तो मैंने वहाँ पे ड्रॉ वगैरह भी किया। वो टैबलेट में किया था कि उन्होंने पेपर में करवाया था? फी स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया। तो कैसा लगा आपको फी स्ट्रक्चर? इंडिया के हिसाब से है
1 साल का 8 लाख रुपए। 1 साल का 8 लाख रुपए है एक नॉर्मल सेनमोन गाको एनिमेशन जाने वाले बच्चों के लिए। सुन लो, जो डिजाइन कॉलेजेस हैं वो तो महंगे ही हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगी बात है। 3 इयर्स का कोर्स है, 8-3 या 24 लाख में। तो इसमें कोई स्कॉलरशिप का नहीं बताया इन लोगों ने? इसमें कोई स्कॉलरशिप वगैरह का नहीं। और भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि खुद की यूनिवर्सिटी की भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक, क्योंकि मालूम अगर ऐसे ही नॉर्मल किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाओगे तो वहाँ तो ये लोग यही बोलेंगे कि पूरी फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, EJU के बारे में जानते हो? तो EJU का भी यही सीन है कि अगर यहाँ पर भी EJU दे के अगर उसमें पास हो जाते हो तो किसी भी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। एक्चुअली मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कि मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है। तो हमारे जो स्कूल है ना उसमें सिर्फ मैथ्स के बच्चे नहीं है, जो कि बाहर से खुद के उससे आए वैसे भी बच्चे हैं। तो वो जो बंदा है वो EJU के लिए, वो भी यही ट्राई कर रहा है कि EJU अगर उसका क्लियर हो जाए तो यहाँ से जैपनीज पढ़ने के बाद किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके वहाँ पर पढ़ सके। बट अपना मेन फोकस तो ये है कि अपने को जैपनीज पढ़ के किसी एक एनिमेशन कॉलेज में पढ़ना है ना, और आपको पर्टिकुलरली कैरेक्टर डिजाइन पढ़ना है। कैरेक्टर डिजाइनिंग ओसाका में मैंने एक मांगा का से सुना था, मेरी डायरेक्टली बात हो गई थी मांगा का से। तो उन्होंने बोला था कि मांगा का आपको ओसाका में ज़्यादा मिलेंगे। आप ऐसा सोच रहे हो कि मतलब जो कॉलेज है वो पर्टिकुलरली आपको सिर्फ कैरेक्टर डिजाइन का ही पढ़ा है, वो चीज़ कि सब कुछ सीखना है? मेरे को 2D और 3D की प्रॉपरली एक नॉलेज चाहिए क्योंकि अब सिर्फ एक चीज़ सीखने से नहीं होगा। अगर आप सिर्फ 2D सीखोगे तो लिमिटेड रहोगे। अगर फ्रीलांस कर सकते हो तो वही है कि खुद से काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, मेरी अर्निंग हो सकती है, मेन पॉइंट तो वही आ जाता है। तो आपको अभी दिसंबर में JLPT नहीं दे रहा? नहीं, मैं जेल पेटी नहीं जा रहा। ब्रूगाक से हैं तो हम लोग भी इंटरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सोसाइटी में, इनके कल्चर को थोड़ा और जान। वही है। कॉलेज जो है अगर आपको मिल जाता है तो लाइक 3 साल करना चाहते हो कि 2 साल करना चाहते हो कॉलेज एनिमेशन? इनका तो कोर्स है, ये 3 इयर्स का कोर्स है। तो ये डिग्री कोर्स है कि लाइक डिप्लोमा टाइप? डिप्लोमा ही है ना यार। आपको लगता है कि 3 साल देना सही है एनिमेशन के लिए? 2 इयर्स इनफ है क्योंकि डिप्लोमा कोर्स मैंने 3 इयर्स का मैंने भी इतना नहीं सुना क्योंकि 2 इयर्स का ही ज़्यादा सुना। 3 इयर्स तो फिर यूनिवर्सिटी कोर्स होगा। वो यूनिवर्सिटी टाइप हो जाता है भाई। जैसे हमारे स्कूल में ना बहुत से बच्चे हैं जो कि 2 साल का इनका कोर्स करने के बाद हेन्यू करने वाले हैं, मतलब दाईगांव में ये लोग जाएंगे और फिर उसको कंप्लीट करेंगे पूरा कोर्स। अगर मैं पर्टिकुलरली हमारी फील्ड की बात करूँ तो यार मेरे को ये लगता है 2 इयर्स इज मोर देन इनफ अपने कोर्स में, अपने कोर्स को समझने के लिए, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जो आपको पसंद है पर्टिकुलरली, जैसे आपकी कैरेक्टर डिजाइन की लाइन है, तो मेरी अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे स्टोरी बनाना और एनिमेशन खुद से करना वो चीज़ बहुत पसंद है। कैरेक्टर्स को मोशन में लाना, वो चीज़ मेरे को लग रहा है कि मेरे को वो उसमें आगे बढ़ना है। तो मैं पूरा का पूरा अपने कॉलेज पे भी डिपेंडेंट नहीं हूँ कि वही मेरे को सारी चीज़ें सिखाते हैं। इंडस्ट्री में लोग कम है तो लोगों की तो ज़रूरत है, डिमांड है, तभी तो मैक्स जैसी स्कॉलरशिप्स जो कि हम जैसे बच्चों को यहाँ पर बुलाती है। अच्छा, फिर कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या प्लान्स हैं आपके? मेरे को यहाँ पे वर्क करना है टोक्यो में। टोक्यो का मैंने सोचा है, और वो चेंज भी हो सकता है कि मान लो कि मेरे को ओसाका ज़्यादा पसंद आ रहा है तो ओसाका में भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। आप एनिमेशन कॉलेज में जाओगे जब तो आपको कॉलेज के थ्रू वीज़ा मिलेगा ना, फिर से रिन्यू होगा वीज़ा? ऐसा वीज़ा रिन्यू नहीं रहेगा, मेरा स्टडी वीज़ा ही रहेगा और एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, बस एक्सटेंड हो जाएगा। हाँ, फिर जैसे मेरा कोर्स खत्म होने के बाद फिर वो वर्क वीज़ा के लिए परमिट हो जाएगा। चलो, ये तो बहुत सारी अपनी काम की बातें हो गई। अब थोड़ा जापान में आके कैसा लगा आपको? जुलाई से आया तो थोड़ा इन शो बताओ अपने एकदम हार्श रियलिटी बताना क्योंकि पता यहाँ के ऑडियंस कैसा लगता है, अरे जापान आ गए, बड़ा मजा आया, यही तो बड़ा मजा आने वाला है। वही ना, मैं बोलूंगा कि जितना हो सके जापान के बारे में कम वीडियोस देखो, ठीक है, लिमिटेड देखो। मतलब वही है कि मेरा इतना ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब मैंने सारी जान लिया, अच्छा इस जगह पे ये है, उस जगह पे वो है। तो जैसे जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को वैसा फील नहीं हुआ, मजा आ गया, जापान आ गया एकदम, वो वाली फीलिंग नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ गया है तो भाई जगह ही रहना तो पड़ेगा, यहाँ रहने का पड़ेगा, रोटी कमानी पड़ेगी। फिर वही हो गया कि सुबह उठो फिर जॉब के लिए करो। आकाश भाई अभी हफ्ते में 7 दिन जॉब कर रहे हैं, मैंने डे शिफ्ट कर लिया, नाइट के लिए वो कुछ टाइम बाद ही वो करते हैं। अच्छा, नाइट का यहाँ पर ज़्यादा मिलता है ना? हाँ, नाइट का ज़्यादा और डे का कम मिलता है। हाँ, डे का वही 1000 से लेके और नाइट में आपका 1300 कुछ, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं। तो नाइट शिफ्ट ट्राई करी आपने कभी? अभी तो नहीं, मैं डे शिफ्ट ज़्यादा से लगा क्योंकि मॉर्निंग में फ्रेश होता है। हाँ, नहीं सही बात है।
तो मतलब सुबह से आप जाते हो फिर एक बजे तक काम करके फिर स्कूल? हाँ एकदम डायरेक्ट स्कूल है मेरा, लंच हमेशा स्किप होता है। तो खाना खुद से बना रहे हो अभी कि? हाँ खाना खुद से बनाता हूँ, फिर वही है कि जब ज़्यादा थक जाता हूँ फिर बाहर कॉम्बिनी से ही लेना पड़ता है। तो डेली में क्या खाते हो, रोटी वोटी? छुट्टी के दिन पॉसिबल हो पाता है कि पराठे बना लिए। तो आता है आपको बनाना? हाँ हाँ बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया है, मेरे को नहीं आता। वही है कि साइड में वीडियो रख लिया या तो मम्मी से सुन के। अरे वही है, सब कुछ यूट्यूब ही करवाएगा यहाँ पे आके। ऋषभ को भी आता है बनाना, वो कभी कभार बनाता है जो मेरे साथ है वहाँ स्कूल में। जैसे आज ही बना रहा था पराठे। अगर जैसे सही में अगर ऐसा लगे ना कि ओसाका में घूमना है तो यूएसजे चले जाओ, अच्छी जगह है बहुत ज़्यादा, यूनिवर्सल स्टूडियोज, मज़ा आएगा वहाँ पर। अच्छा जैपनीज लोग कैसे लगे आपको, मतलब यहाँ पर आने के बाद क्या आपका थॉट्स है? एनीमे से कंपेयर मत करना, एनीमे जैसे नहीं होते यहाँ पर। नहीं होते, अलग ही है ये लोग। ये सर्कल्स में रहना पसंद करते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और ये ऐसा नहीं, इंडिया वाला सिस्टम नहीं कि हाँ चलो कोई फॉरेनर आया, अरे भाई तू तो अपने घर का मेहमान, तो घर जैसा। यहाँ एकदम अलग ही रखेंगे, अलग, यहाँ का सिस्टम अलग है, बहुत अलग है। यहाँ पे टाइम लगता है, मतलब वो बैरियर तोड़ना पड़ा, बैरियर तोड़ना पड़ा। तो नहीं हूँ वो देव खाए वाशी माशो का मिन्ना ना था मैं मोशी देखी रे बा या आरु देशो जा ओसा का बैंक स्थिर ओसा का बैंक ये तो कौन सा बैंक कौन सा है असो ने कौन सा है यो को ये तो यो को शेरा ना आ यो को कान ना जे हितोत्स कोतोबा आनो ओशिमास ये तो होम्मा सोरे स्थिर होम्मा शेरा ना एक होंतो तो यो कोतो देस होम्मा तो इतरा होंतो तो यो कोतो तो इसे अनो वकारा है वकारा नहीं वा वकारा है वकारा है そしてあとまあいろいろあるんですけどね。あ、なんでやねん。なんでやねん。それ聞いたことある。聞いたことある。よく僕のマネージャーさんがよく使います。このこと。このこと。なんだ。面白いね。そうね、やっぱり。なんかインドで、私たちはヒンディー語で喋っているんですけど、地域によってやっぱりなんか喋り方は少しだけ変わるね。はい、変わる。やっぱり、日本語ちょっと同じですそれと。時々はね、私なんか1週間も日本語だけを話しているけど、なんか誰ともヒンディー語で喋らないとき、いやー僕ヒンディー語もう忘れたか。そういう気になるよいつも。時々。じゃあ日本語好きですか？はい、日本語が好きですけど、はいはい、漢字のところはやっぱりね、漢字、はい、まあでも私たちが絵を描くのが好きだから、はい、漢字を絵として想像したら楽になるよ。シェーバジがシェーバジがパタイニチャライティサリバテオビイティジェルリ。अच्छा यहाँ पर नांबा में एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ गए हो? जहाँ पवन भैया गए थे? बट मैं पता है मेरे पूरे स्कूल के सारे बच्चों को साथ में बहुत बार लेके गया हूँ वहाँ पर। मेरे मंगोलियन फ्रेंड्स जो हैं और ये इंडोनेशियन, ये क्या बोलते हैं मालूम भाई, हम जापान आने के बाद अभी तक हमने इतने सारा खाना खा लिया, जापान का देंतो तेकीना खाना भी खा लिया, लेकिन अभी तक हमें जापान आने के बाद सबसे टेस्टी फूड लगा इंडियन फूड। मैंने बोला वाह ये हुई ना बात। एक चीज नोटिस करिए कि जापान में नान बहुत फेमस है, लोगों को नान बड़ा पसंद आता है। साला इंडिया में तो हम खाते ही नहीं थे भाई नान। वही तो बात है, मैंने कहा कि इतना तो फेमस नहीं है नान इंडिया में, हमें तो पराठे अच्छे लगते हैं। पराठे हो गए, चावल हो गए और क्या कहते हैं पूड़ी वगैरह, पूड़ी इतनी सारी वेरायटी। हॉलीडेज पे क्या करते हो आप जनरली? हॉलीडेज पे या तो मैं पार्ट टाइम कर रहा होता हूँ, या तो पार्ट टाइम के अलावा टाइम मिलता है तो निहोंगो करता हूँ। मीटअप वो जो मैंने ऐप बताया ना, मीटअप ऐप, उससे आपको जैपनीज लोग मिल जाएंगे बहुत सारे। कन्वर्जेशन जैसे जैपनीज कन्वर्जेशन करनी है तो उसमें रजिस्टर करो और आपकी लोकेशन पकड़ लेगा वो, और लोकेशन के आसपास कौन से लोग जो हैं वो इस टाइप की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो बताकर वो फिर मीटअप सेट हो जाता है। फिर मिल लो उनसे, जाके बात करो, कन्वर्सेशन प्रैक्टिस करो, हेलो टॉक, फिर पता भी चलेगा कि हाँ भाई तुम्हें कितना आता है वो सामने से लेवल पता चल जाता है। जैसे हमारे स्कूल में मैं इतना बाहर नहीं जा पाता हूँ कि किसी जापनीज से बात करूँ, बट हमारे स्कूल में ही एक काउंसलिंग का बंदा है, 21 ईयर्स ओल्ड जापनीज बंदा है, और वो मेरे ही फ्लोर में रहता है। अच्छा। तो उससे मेरी बात होती रहती है। अच्छा। तो और उसकी भाई जापनीज इतनी तेज है, मतलब वो क्या बोलेगा समझ में नहीं आएगा, इतनी फटाक से बोलता है वो। तो मैंने एक बार उससे बोला कि क्यों ये जिस तरीके से तू बात कर रहा है इस तरीके से सब बात करते हैं यहाँ पर? तो हाँ भाई यही हो, नॉर्मल ऐसे ही बोलते हैं। वाह एनीमे सबसे बढ़िया तो एनीमे भाई, हो गया एनीमे देखो लोग, लेकिन वो एक नेगेटिव वे में लेते हैं क्योंकि एनीमे रियल वेस कन्वर्सेशन नहीं करवाता, लेकिन ऐसा नहीं है। तुम वो सुनते हो ना, सुनते हो तो वो एक आता है, नोरियो को बढ़ता है अपना, शक्ति बढ़ती है एक तरीके से। और वो क्या बोलेंगे, जैसे स्लैंग्स होते हैं ना कुछ, और कुछ
बोलने का तरीका होता है जो आप कैच कर लेते हो, तो फिर जब आप किसी की कॉन्वर्जेशन सुनते हो तो आपको क्लिक हो जाती है, अरे ये ऐसा बोल रहा है, अलग ही पता चल जाता है. जैसे स्लैम डंक देख रहा हूँ मैं अभी रिसेंटली, तो उसमें एक बंदा है, तो वो बंदा ओसाका का है, तो वो ओसाका वैन बोलता है एनीमे में. अच्छा ये टावर साइड गए हो कि नहीं गए? यहाँ भी नहीं गए? टावर का नाम है. यहाँ पर पूरी लाइक लाइन से बहुत सारी शॉप्स हैं बाई टेन टाइप, थोड़ी सी कुछ महंगी महंगी भी हैं बट अट्रैक्शन अच्छे हैं. दोतनबरी साइड तो गए हो गए? दोतनबरी साइड गया हूँ, उधर बहुत भीड़ रहती है. उधर बहुत भीड़ रहती है, जब स्पाइडरमैन आ जाता है वहाँ पे. अरे वो एक बारी तो मोटा सा स्पाइडरमैन आ गया था. क्या है भाई, पवन भाई की वीडियो पे बोलते थे ना, हंसी सी आ जाती थी. यहाँ पे ये भी बिजनेस देखा कि 500 येन दो पिछवाड़े पे. हाँ वो ये मैंने भी देखा था, मतलब 500 येन दे के अपनी कुंड पे लगवा रहे हैं. भैया अपनी इंडियन कम्युनिटी थोड़ी कमी देखने मिलती है यहाँ कम. मैं चलते चलते मिल के, हाँ भाई साइड से दिख तो जाते हैं बट वो इंडियन ही है कि नहीं वो नहीं पता. वो करना बहुत वो है, मैंने इतने देख लिए कि मैं देख के समझ जाता हूँ अच्छा ये बांग्लादेशी, ये नेपाली, ये श्रीलंका, पता चल जाता है ये भाई अपना इंडियन है. सर मैं एक बात क्लियरली बताऊँ कि अगर आप किसी प्राइवेट एनिमेशन कॉलेज में ले लेते हो एडमिशन और उनकी जो जितनी भी बड़ी सी फीस है वो भर देते हो और फिर कोर्स के बाद आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो फिर आपको रिग्रेट फील होगा बाद. हाँ ये तो है कि यार इतने सारे पैसे भी दे दिए और इन लोगों ने जो पढ़ाया वो इतना भी कुछ खास नहीं था, वो मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेता. नहीं यार ये आप, मैं तो भाई ये मानता हूँ कि आपकी फैमिली मेरी फैमिली बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल की फैमिली, कि हम लोगों को जापान जैसी जगह में ऊपर से एनिमेशन जैसी चीज़ के लिए आने के लिए दे दिया. नहीं तो बताया कौन सी इंडियन फैमिली अपने बच्चे का इतना ट्रस्ट करती है कि उसको एनिमेशन जैसी चीज़ के लिए आने देती. ये बात, मतलब स्टार्टिंग में जब मैंने भी मेरे घर वालों को बोला था तो देवर अगेंस्ट मी, एंड आई एम श्योर आपकी भी अगेंस्ट ही होंगे स्टार्टिंग में. हाँ तो एकदम ही हाँ आज चले जा कोई दिक्कत नहीं, ऐसा तो कोई नहीं होता. ऐसा कोई नहीं होता, करना पड़ता है. अगर आपका खुद का एम है तो फिर हो जाता है. तो नहीं यार आप यहाँ तक आए हो, खुद के दम पे आए हो एंड आगे बढ़ोगे, इतना तो मेरे को भी भरोसा है. आए हो तो कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं. एक बार यहाँ पर आ जाए इंसान तो फिर कैसे तैसे ऊपर बढ़ता ही है. हाँ तो फाइनली 5000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट गाइस. हाँ तो जैसे जैसे माइलस्टोन्स आते जाएंगे ना, मैं ऐसे बार बार वीडियोस में बोलता जाऊंगा कि हाँ भाई 5 हो गए, इतने हो गए ऐसे. अच्छा तो कैसी लगी वीडियोस मुझे कमेंट्स में बताओ. एंड इस बार थोड़ी क्वालिटी वीडियो की अच्छी नहीं थी यार, पता नहीं क्यों. मैंने सेटअप तो अच्छे से किया था बट बिकॉज थोड़ी सी रात हो गई थी एंड आकाश भाई के पास भी टाइम कम था, सो आई थॉट कि यार वीडियो बना ही लेते हैं हम लोग एंड इसलिए वीडियो में वो लाइट्स थोड़ी सी सही नहीं आई हैं. सो सॉरी फॉर द वीडियो क्वालिटी बट आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो. एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर वॉचिंग.